वालेकुम एवरीवन। ओके गाइस, तो हमारे पास ट्यूमर्स ऑफ ओरल कैविटी में हम प्री मेलिग्नेंट लीजन्स पढ़ रहे थे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसमें हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया मैंने आपको बता दी थी, एरिथ्रोप्लेकिया रहती है, ठीक है। तीन थी, ल्यूको एरिथ्रोप्लेकिया के बाद एक मेलानोसिस है, वो छोटी सी, बस एक उसका डेफिनेशन बतानी है आपको, ठीक है। अच्छा, एरिथ्रोप्लेकिया आपने अच्छे से करनी है, बिकॉज एरिथ्रोप्लेकिया इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट लाइक ल्यूकोप्लेकिया, और ये बार बार रिपीट होगी, ये सिर्फ एक जगह पर नहीं बल्कि बहुत जगह पर आएगी इसका नाम एरिथ्रोप्लेकिया। तब होती है कि अगर माउथ में ही, जिस तरह ल्यूकोप्लेकिया हमने कहा था कि व्हाइट पैच होगा, ये रेडेंट सा पैच होता है, ठीक है जी। अगर आपके पास उसी तरह का एक पैच बना हुआ लेकिन रेड से कलर का है, यानी कि जो म्यूकोजा है, दैट इज एरिथेमा से ये लफ्ज निकला है। बेसिकली प्लेकिया इज फ्रॉम प्लेक एंड एरिथ्रो इज फ्रॉम एरिथेमा। एरिथेमा हम तब कहते हैं ना किसी जगह को जब वो एरिया रेड हो जाता है, तो दिस इज बेसिकली लाइक दैट, कि रेड पैच अगर आएगा इंस्टेड ऑफ व्हाइट पैच, तो वो हमारे पास एरिथ्रोप्लेकिया होगा म्यूकोजल सर्फेस में। रेड कलर क्यों आता है आपके पास? आपके पास होता ही है कि जो म्यूकोजा है ना ऊपर से, वो खराब होता है उस एरिया का, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो ओरल कैविटी में सपोज ये म्यूकोजा है, एक पैच है म्यूकोजा का, तो ऊपर से उसकी जब म्यूकोजल कवरिंग खराब होती है, तो उसके नीचे क्या है, वी हैव सब म्यूकोजा। तो सब म्यूकोजा में, मैंने आपको पहले बताया था कि सब म्यूकोजा इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और उस कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास वेरियस फाइबर्स हैं और ब्लड वेसल्स हैं। मैंने यह बात आपको बहुत जगह पर रिपीट की हुई है कि हमारे सब म्यूकोजा इज अ कनेक्टिव टिश्यू, और उसमें हमारे फाइबर्स होते हैं, कॉलेजन फाइबर्स और ब्लड वेसल्स। तो क्योंकि कॉलेजन फाइबर्स तो कोई ऐसे खास कलर नहीं दे रही होती, लेकिन ब्लड वेसल्स का जो रेड कलर है ना, वो अपेयर होने लग जाते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। म्यूकोजा हटा तो सब म्यूकोजा का रेड कलर अपेयर होने लग जाता है, दैट मीन्स इट इज एरिथ्रोप्लेकिया। अच्छा, अब इसकी जो साइट्स हैं, इसमें भी उसी तरह से बकल म्यूकोजा मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व है, गिंगाइवो बकल सल्कस, टंग, फ्लोर ऑफ माउथ, बाकी हो तो कहीं भी सकता है, ठीक है। कोई सेक्स की प्रीडिलेक्शन नहीं है, दोनों मेल्स फीमेल्स में नॉर्मल बराबर होता है। हिस्टोलॉजिकल पिक्चर जब हम इसकी देखते हैं ना, तो हमें मार्क डिस्प्लेजिया नजर आता है। मैंने अभी आपको पिछली वीडियो में बताया कि व्हाट इट इज डिस्प्लेजिया, तो हमारे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि डिस्प्लेजिया, वही मैंने कहा था कि जिस जो नॉर्मल सेल है, सपोज ये एक नॉर्मल स्क्वेमस सेल है ऐसे करके, लेकिन अगर इसका न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो डिस्टर्ब हो जाए, न्यूक्लियस इतना बड़ा हो जाए, साइटोप्लाज्म में वैक्यूलाइजेशन शुरू हो जाए, इसकी शेप डिस्टॉर्ट हो जाए, और सारे ऐसे चेंजेस नजर आने लग जाए जो एक सेल की शेप को उसको खराब कर रहे होते हैं, और उसको एक एबनॉर्मल सेल की तरफ लेके जा रहे हैं, जिससे हमें नजर आता है कि ये चीज मलिग्नेंट हो जाएगी, तो इसको हम कहते हैं डिस्प्लेजिया। तो ल्यूकोप्लेकिया में थोड़ा डिस्प्लेजिया होता है, इसमें ज्यादा डिस्प्लेजिया होता है, बल्कि अक्सर औकात तो इसमें हमें डायरेक्टली कार्सिनोमा इन सीटू नजर आता है। कार्सिनोमा इन सीटू का मतलब होता है कि एक ऐसा कार्सिनोमा जो कार्सिनोमा डेवलप हो चुका है, लेकिन अभी अपने सेल के अंदर ही लोकलाइज्ड है, अभी वो फैला नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स हम जब देखते हैं, इसको डायग्नोज करते हैं फर्स्ट टाइम पे, तब ही ये इन्वेसिव कार्सिनोमा बन चुका होता है, लाइक ये सिर्फ अपने एरिया को नहीं बल्कि आसपास के एरियाज में और लोकल लिम्फ नोड में मेटास्टिसाइज भी कर चुका होता है। तो इसकी हिस्टोलॉजिकल पिक्चर ज्यादा खौफनाक सी है एज कम्पेयर टू ल्यूकोप्लेकिया। ल्यूकोप में तो हमने कहा था कि इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है, लेकिन इसमें आपका कुछ केसेस तो सिर्फ डिस्प्लेजिया के होते हैं, और डिस्प्लेजिया भी हाई ग्रेड, नहीं तो कार्सिनोमा इन सीटू इनसाइड द सेल, नहीं तो इन्वेसिव कार्सिनोमा। ये तीन बातें हमें नजर आती हैं, ठीक है। इन्वेसिव कार्सिनोमा को तो आसपास के एरिया सब में फैल चुका होगा। मेलिग्नेंसी का पोटेंशियल ल्यूकोप्लेकिया से 17 times ज्यादा है, ठीक है। टाइप्स की अगर मैं इसकी बात करूँ कि इसकी क्या क्या टाइप्स हैं, तो इसकी भी तीन टाइप्स है। होमोजेनियस वो टाइप है जिसमें ये टाइप्स हमने बेसिकली ग्रॉस अपेयरेंस की बेस पे बनाई हुई है। जो होमोजेनियस प्रायरिटी, उसमें सारा का सारा जो एरिथ्रोप्लेकिया का प्लेक है, वो सारा होमोजेनियस यानी कि स्मूथ कॉन्टूअर का होगा, उसमें कोई हमें इरप्शन जैसी चीज नजर नहीं आएगी। और जो स्पेकल्ड वैरायटी है, स्पेक्स क्या होते हैं आपके, ऐसे जैसे एक ये पूरा पैच है ना, इसमें एक ये बन गोला सा, एक ये गोला सा, एक ये, तो दीज आर स्पेक्स के आपको कहीं के फ्रेकल्स बने हुए नजर आते, कहीं कहीं पर उसमें जो प्रॉब्लम नजर आती है, तो ये ज्यादा हाई ग्रेड कार्सिनोमा में ये होगा। और जो तीसरी टाइप है, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेनुलर, ग्रेनुलर में पूरे में ग्रेनुलरिटी, पूरे में दाने दाने से बने हुए होते हैं, लाइक हाई, वेरी मच हाई ग्रेड जो होगा ना, वो ग्रेनुलर टाइप होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम कार्सिनोमा तो डेवलप हो ही चुका होता है। तो ये तीन टाइप्स हैं, वही ग्रॉस अपेयरेंस की बेस पे, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास आखिरी जो इसकी ऑप्शन बची है, वो ट्रीटमेंट है। तो ट्रीटमेंट मोडालिटीज या मैनेजमेंट, इसमें हमने करनी होती है कि एक्सीजन करते हैं, बायोप्सी पे डायग्नोज कर लिया, एक्सीजन कर दिया और फॉलोअप फिर करते हैं पेशेंट को। तो इसमें जब भी हमने बायोप्सी करनी है, बायोप्सी लाजमी करनी है पहली बात। तो ये कोई भी हमें म्यूकोजा का रेड पैच नजर है, जो हमें इम्यूनो इस तरह की जो पेशेंट है, सॉरी मैंने इसकी एटियोलॉजिकल फैक्टर्स भूल गई, सेम वही है जो ल्यूकोप्लेकिया के थे, ठीक है। स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, एल्कोहल की इनटेक, ये तो तीनों इसके वही वाले एग्जैक्टली एटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो इसकी तरफ लेके जाते हैं। तो अगर ऐसा कोई फैक्टर प्रेजेंट है, कोई ऐसी लीजन बंदे को बन गई जो एरिथ्रोप्लेकिया से मिलती है, तो हमें उसमें बायोप्सी करके एरिथ्रोप्लेकिया को एक्सक्लूड लाजमी करना होता है। और अगर हमें डायग्नोज कर लें, तो वी हैव टू एक्साइज दैट और फॉलोअप भी करना है। तो एक्साइज करके छोड़ नहीं देना, बिकॉज रिकरेंस के चांसेस होते हैं। आखिरी है मेलानोसिस।
मेलेनोसिस आपको पता चले कि मेलेनिन पिगमेंट की डेपोजिशन हो जाए, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि हाइपर पिगमेंटेड अगर आपका ओरल कैविटी हो जाए, तो दैट कंडीशन इज़ नॉन एज मेलेनोसिस या फिर म्यूकोजल हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बिनाइन लीजन्स हमने पढ़ी थी ना, उनमें भी मेलेनोसिस हो सकते हैं। और ये भी इसमें बायोप्सी कर लेते हैं हम, तो हमें पता चल जाता है कि भाई ये हाइपर पिगमेंटेशन है। नॉर्मली इसमें खास ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती, नॉट दैट मच कॉमन। अब लेट मी टेल यू अगेन, इरिथ्रो और लिकोप्लेकिया बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ, MCQ, वाइवा, हर हिसाब से इनको अच्छे से कीजिएगा। और यहाँ पर हमारे पास ओरल कैविटी की प्री मेलिग्नेंट भी खत्म होते हैं, मेलिग्नेंट लीजेंस लिखी भी बुक में काफ़ी सारी हैं, लेकिन दे आर नॉट लाइक दैट इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक ही वीडियो में सारी कवर करूँगी, इंपॉर्टेंट फीचर्स बता दूंगी। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।